अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डेली टॉप टू और मैं हूं आपका मेज़बान मनाज़र अली। आज जनाब हम ऐनक की तलाश में निकले हैं और ऐनक जो है वो हमें सड़क किनारे एक खान साहब मिले हैं। खान साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम सजाद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम क्या है? मेरा नाम सजाद है सर जी। सजाद है जी। सजाद भाई आप कहाँ से आए हैं? ये जंगल में आपने यहाँ जंगल के अंदर लगा लिए इनके? यार मैं तो बाजौर से आया था लेकिन आप लोग सहूलत के लिए आया हूँ यहाँ पर। अच्छा सहूलत के लिए आए हैं। तो ये जंगल है, ये जब सारे आप वीडियो देखते थे ये जंगल है, यहाँ से मिट्टी ज्यादा होता है ना, ये गड्डी जा रहा है मिट्टी बहुत ज्यादा हमको भी पड़ जाते हैं। अच्छा और मच्छर भी ज्यादा आएगा तो लोगों की खिदमत के लिए मैं यहाँ पर आया। अच्छा आप इस वजह से यहाँ खड़े हैं कि सड़क पर मिट्टी ज्यादा होती है, मच्छर लोगों की आंखों में पड़ते हैं तो यहाँ उनको ऐनक की जरूरत पड़ती है। वहाँ पर लाला कितने की है? वालेकुम सलाम। क्या है भाई कितने की है? क्या लेना भाई? ये ले ले भाई, क्या लेना है? ओ मुनादर साहब, आप वारसी साहब, आप कहाँ जनाब? आपने तो पहले ही ग्लासेस लगाए हुए हैं, आपको क्या ग्लासेस? चलो ये पकड़ लें आपके लिए, धूप से बचने के लिए आप जो है वो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी तो लाला ये कितने की है? ना ले ले भाई, यार आपको ये सस्ता लगा लूंगा यार, आपके चैनल से आपको सस्ता लगा लूंगा। नहीं नहीं चैनल से तो हम क्या बताएं, ये कितने की हम देंगे? कितने की रेट बताएं इसका? यार आपको 150 रुपए लगा लूंगा। अच्छा अच्छा 150 तो यार ज्यादा है। क्या हमको भी आपको मच्छर मच्छर पर ज्यादा है? बाइक चलाते हुए बड़े एक तो धूप से हिफाजत हो जाएगी और कोई मच्छर वगैरह, आप गर्मी भी आ रहा है तो आप देख ले, बहुत जंगल है हम यहाँ पर, आप लोगों को सहूलत के लिए यहाँ आप होते हैं, यहाँ ये आपका रोजगार है, इधर ही आप ठिकाना लगाते हैं। हाँ अल्लाह का शुक्र है, ये तो हमारा काम यही। अच्छा अच्छा और क्या कुछ है? ये रुमाल भी आपने रखे हुए हैं? हाँ रुमाल भी रखा हुआ लेकिन आज मेरे तो रुमाल भी लग गया इसलिए आज बारिश। अच्छा रुमाल भी है सर, ये ना एक्चुअली ये जो लोग गर्मियों में सर रुमाल इस्तेमाल करते हैं उनके लिए ये जब। अच्छा तो ये साफ करने होते हैं ना। अच्छा ये धूप हो तो आप सर पे भी ले सकते हैं और पसीना भी साफ कर सकते हैं। टिश्यू भी यही है, रुमाल भी यही है और अगर आपने नमाज पढ़नी है तो सर भी इससे डांप सकते हैं। ये कितने का है सर जी? ये आपको 170 की आएगा लेकिन ये बस ये सारी एनके ले रहे हैं, ये कितने की होंगी? सौदा करें हमारे साथ, आज ही करें, हम लेके जा रहे आपके साथ इससे डील करूंगा ना कि आप सारे के एक हिसाब लगा लोगे फिर लेना सारे। नहीं वैसे अगर कोई बंदा कहे कि एकदम आप कहें कि ये कितने की हैं तो आप कितने कहें? यार फिर हिसाब कर देंगे, फिर आपको उसको मैं बोलूंगा यार कितने की, मैं बात करूंगा। अच्छा ये ट्रेन आ गई है तो ट्रेन का जो शोर है ना ये पता नहीं आप समझ आने देगा या नहीं। ये नाजरीन ट्रेन भी आ गई है और ट्रेन का शोर आपको जो है वो सुनाई दे रहा होगा। खान साहब से हम गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं, इतनी देर में ट्रेन गुजर रही है। अच्छा खान साहब ये भी आप एंजॉय करते हो कि ट्रेन पास से गुजर रही है? हाँ हम तो एंजॉय भी करेंगे इंशाल्लाह लेकिन ये लोगों को भी देख लूंगा, इधर रास्ता बहुत जंगल है लेकिन ये ट्रेन आए तो दिल को बहुत खुशी भी ला सकते हैं। अच्छा इसलिए ये सारी जगह है पर ट्रेन रुकती नहीं है, चली भागी जा रही है। यहाँ ये सारी जो जमीन है ये आर्मी का आएगा, ये सरकारी जमीन है, वन परली पास नहीं है, वन पर वो आर्मी का सेंटर भी आएगा। बहुत अच्छा अला जगह है ये। अच्छा। अच्छी जगह है, वैसे जंगल लगते लोगों का लेकिन हम के लिए बहुत अच्छा है। हमें जीवाई भी रखा हुआ है माशाल्लाह। आप लोग देखते यार मैं क्या करूँ, तो बड़ा खूबसूरत लग रहा हूं मैं। अच्छा खान साहब जो आपने शीशा रखा उसमें अनेक पसंद आ जाती है, घर जाके नहीं आती, ये क्या चक्कर है ये बताएं आज? ये शीशे का कमाल होता है, शीशे का कमाल होता है, ये घड़ी का शीशा होता है, इसमें जब मुंह पे ऐसे देखते हैं ये लश्कारे पड़ते हैं। अच्छा ये जिस जगह पे आप खड़े हैं इस जगह का नाम क्या है? इसका नाम लंगड़ा पाटक है। क्या? लंगड़ा पुल है, लंगड़ा लंगड़ा। ये लंगड़ा पुल है जी, इंडस्ट्रियल स्टेट जो लाहौर की है ना, कायदे आजम इंडस्ट्रियल स्टेट, उससे अगर आप इधर आते हैं तो लंगड़ा स्टॉप एक जगह है, लंगड़ा फाटक, लंगड़ा फाटक के पास ये खान साहब खड़े हैं। तो खान साहब से जिसने भी ऐनक लेनी हो तो हमारा अगर कोई नाम ले तो आप थोड़ी सस्ती कर लेंगे? क्यों नहीं करेंगे सर जी, बहुत करेंगे यार। लो जी जिसने भी खान साहब से ऐनक सस्ती लेनी है वो आके बताए। खान साहब से ये तो पूछें, ये जो इन्होंने थोड़ा बहुत काम शुरू किया कितने कमाल लेते हैं, अपने घर का सेटअप कैसे चला रहे हैं, ये क्वेश्चन आप करें ना इनसे, मुझे तो याद ही नहीं रहा। लाला बताएं, आप बाजौर से आए हैं ना, बाजौर से बताएं और यहाँ के लाहौर के आपको कैसा लग रहा है? ये आपका गाहक तो नहीं आ गया? गाहक आया तो आप उससे बात कर लेना। नहीं कोई बात नहीं, गाहक मैं कहता हूं बताएं। अच्छा जी ये गाहक भी आ गया, तो गाहक आ गया तो आपने उससे बात कर लेनी है, ठीक है? आ जाए जी ले लें ऐनक। खान साहब आप बात करें, हम भी देखते हैं जी सर। ये नाजरीन खान साहब के पास एक और गाहक आ गया है,
और वारसी साहब और मैं लगे हुए हैं इनसे बातें करने। वाइट शीशा तो नहीं है यार, ऐसे में देख लो आप, ये देखो डिजाइन बहुत खूबसूरत लगती है, ये लगा लो बच्चों से बच जाते हैं। अगर ये लेना तो ये बहुत आला चीज़ है, सोलह रात के लिए भी चलते हैं और दिन के भी चलते हैं, बच्चों से बच जाते हैं। एनके इसकी अच्छी है, ले ले इधर आए ना आप, इधर आए, ये क्यों खान साहब आप यहाँ ही क्यों खड़े होंगे, और एनक नहीं कहीं आपको नजर आई? नहीं मैं इधर आया हूं, मच्छर पे मैं देख लो, हाय हाय खान साहब से ले ले, अच्छे बंदे हैं। नहीं नहीं वो ठीक है, मैं कह रहा था बदमाश एनक। अच्छा एनक महंगी है वो तो पूछे नहीं। अच्छा पूछे ही नहीं, पसंद नहीं आई लगता है इनको जो है ना। हां एनक को उन्होंने चीजें पसंद नहीं आई। अच्छा अच्छा खान साहब आप, अच्छा गाहक हाथ से निकल गया फिर आप एनक नहीं ले रहे? नहीं कोई बात नहीं है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, कोई चले इस तरह गाहक गाहक तो हाथ पे जाते रहते हैं, अल्लाह ताला और भेजेगा। अच्छा जी बात होता है ना, जिसके पास हेलमेट होता है वो तो नहीं लेता है, उसके साथ हेलमेट होता है शीशा बंद करेगा तो उसका मुंह पे गर्म हो जाता है, सर्दी से बच जाते हैं। और बता रहे हैं इसका रेट बताएं। अच्छा गाहक लेने की कोशिश कर रहा है लेकिन गाहक को पसंद नहीं आ रही, कभी गाहक आता है कभी जाता है, तो ये दुकानों पे सिलसिला जो है वो चलता रहता है, और बाज़ दफ़ा माल पसंद नहीं आता, बाज़ दफ़ा कीमत पसंद नहीं आती, बहस तकरार होती रहती है। हाँ 120 की बहुत खूबसूरत ऐनक है, यकीन करें मैंने भी ऐसी लगाई हुई है, देखें ये मैंने भी ऐसी लगाई हुई है। हाँ अच्छा मेरी 300 वाली है। वो अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करके ही लेता है और अपनी हर चीज देख के हिसाब किताब लगा के। खान साहब क्या किया आपने, एक गाग भी आपसे काबू नहीं हुआ यार, ये लेना नहीं है उसके हाथ में हेलमेट होता ले ही, हेलमेट क्या था उसके आग में मच्छर जा रहे, वो रुका इसीलिए था कि वो है ना कि यहाँ आपसे लेके जाए, आपने बात ही नहीं थी, जिसकी मुकदर हो तो वो आता लेके जाता। अच्छा चलो वारसी साहब आपको पूछ रहे थे खान साहब से, क्या खान साहब बताएं हमें, बात जोर से आप आए हुए हैं और ये माशाल्लाह आपने छोटे मोटे सेटअप से सारा कुछ चला रहे हैं, बताएं कितना अरसा हो गया यहाँ और क्या कुछ कर रहे हैं, अपना घर का सेटअप कैसे चला रहे हैं? मैं तो अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे सिस्टम लगा है घर पे, लेकिन सारी जिम्मेवारी होता है वो हमारे ऊपर है, घर का सारे सिस्टम हमारे ऊपर होता है। यहाँ कहाँ रहते हैं आप लाहौर में? हम लाहौर गजुमता रहते हैं। अच्छा अच्छा गजुमता गोचा जी, हम किराया मकान पे है लेकिन मालिक मकान में बहुत अच्छा आदमी है, वो कैसे पैसे होता तो उसको दूंगा। कैसा शहर लगा है आपको लाहौर आके? लाहौर तो बहुत माशाल्लाह खूबसूरत लगता है, उधर तो आप मसलन हालात बड़े खराब हैं, इधर बेहतर है कुछ भी, यहाँ सुकून है ना? नहीं माशाल्लाह हमारा इलाका तो इससे भी बेहतर है। नहीं उधर कारोबार के वाले से, वो कारोबार से आया भाई, कुछ पाक आर्मी की कोशिशों से बाजोड़ में अमन आया और इंशाल्लाह ये जो अमन का सिलसिला मजीद आगे बेहतर होगा, आप लोगों को लाहौर आना ही नहीं पड़ेगा, वहाँ चीजें बेहतर हो जाएंगी। पाक फौज के हक में एक नारा लगा दें, पाक फौज जिंदाबाद, जिंदाबाद पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। खान साहब पश्तून सारे सर जो है वो पाक फौज की कोशिश। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, ये खान साहब जो है वो आउट ऑफ सिटी हैं और अपना सारा निज़ाम यहाँ चला रहे हैं, तो लाहौर के लोग इनको वेलकम करते हैं यहाँ, ये अच्छी खुशी रहे। अच्छा। तो मुनार साहब अब इजाज़त ले, खान साहब से इजाज़त लेते हैं और इनसे फिर भी आएंगे, ये कह रहे हैं कि हम हमारे और भी दोस्त इधर होते हैं उनका भी जो है वो आपने भी। चलो आपके बाकी जो दोस्त हैं ना बाजोड़ के जो एनके बेचते हैं या बाकी जो इस तरह का काम करते हैं, हम सबसे मिलेंगे। नाज़रीन खान साहब समेत हमें सर एक और भी मिसाल है, यानी कि मेहनत में अज़मत। हाँ बिल्कुल देखे मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त हमें उस दिन भी मिला था खेतों में, तो आज हमें यहाँ मिल गया है, तो मेहनत करने वाले जितने भी अल्लाह के दोस्त हैं हम उनसे आपको मिलवाते रहेंगे। ये भी एक अल्लाह का दोस्त है जो बाजोड़ से आया, मेहनत कर रहा है, लेकिन ये है कि वो कह रहे हैं जी मेरा घर का सिस्टम भी इससे चल रहा है माशाल्लाह। तो वारसी साहब आज इजाज़त लेते हैं, आज दें हमें इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा फिर मिलेंगे, और चैनल के बारे में कोई राय देनी हो कुछ कहना हो आप नीचे कमेंट सेक्शन है उसमें ज़रूर लिखें। अल्लाह हाफिज़।